जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं लक्ष्य सिंह स्टडी पॉइंट। आज हम जानेंगे 10 मई 2023 की कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्या है कि रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइंड मऊ मऊ मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इंडस्ट्रियल R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यानी कि हाल ही में भारत और किसने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसने किया है? इसराइल ने किया है। नेक्स्ट, विथ वर्म हैज RBI रिसेंटली लॉन्चेड द ग्लोबल टेक कॉम्पिटिशन G20 टेक स्प्रिंट ग्रुप ऑफ 20। अर्थात RBI ने किसके साथ मिलकर हाल ही में ग्लोबल टेक कॉम्पिटिशन G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है। तो कौन किया है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द बुलंद भारत अभ्यास रिसेंटली। यानी कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली एग्री टू एक्सप्लोर रुपए एंड मीर कार्ड्स फॉर इजी पेमेंट। यानी कि भारत और कौन सा देश हाल ही में आसान भुगतान के लिए रुपए और मीर कार्ड तलाशने में सहमत हुए हैं? तो रसिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? साइक्लोन मोचा इन द बे ऑफ बंगाल हैज़ बीन नेम्ड बाय विच कंट्री। अर्थात बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यमन देश के द्वारा नाम दिया गया है। नेक्स्ट, विच कंपनी गोट द टेलीकॉम लाइसेंस इन इंडिया। यानी कि किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो जूम का। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड द IHD प्लेटफॉर्म इन द हेल्थ सेक्टर। IHD मीन्स इस्केमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, डिजीज, यानी कि किसने स्वास्थ्य क्षेत्र में IHD मंच का शुभारंभ किया है? तो नारायण राणे ने किया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।